किस तरह से बहुत जरूरी है कि हम इसे रोकें, अगर नहीं रुकेगा तो किस हद तक आगे बढ़ सकता है और किस तरह का विध्वंस कर सकता है ये वायरस। देखिए 156 दिन, शुरुआत के 156 दिन जो थे उसमें शून्य से 50,000 मौत तक हम 156 दिन में पहुंचे थे। 156 दिन में हम शून्य से 50,000 मौत के आंकड़े तक पहुंचे थे। उसके बाद 48 दिन लगे हमें 50,000 से 1 लाख मौत तक पहुंचने के लिए 48 दिन लगे देश को। इसके बाद देखिए 1 लाख से 1.5 लाख, ये जो आंकड़ा, ये इसके लिए 95 दिन में ये आंकड़ा 1 लाख से 1.5 लाख तक पहुंचा और 2 लाख तक पहुंचा, 1.5 लाख से 2 लाख तक 112 दिन में पहुंचा। और ये देखिए, ये है चिंता का मुद्दा जिसे हमने रेड में आपको दिखाया है, 2.5 लाख, 2 लाख से 2.5 लाख, ये जो 50,000 मौत हुई हैं ये सिर्फ 13 दिन में हुई हैं और ये बड़ी वजह है चिंता की। एक आपको और दिखाते हैं ग्राफिक, ये हम दिखा इसीलिए रहे हैं, ये बताना दिखाना ज़रूरी है ताकि आप समझें कि ये कितना खतरनाक है, किस तेज़ी से फैलता है, संक्रमण की दर को रोकना कितना ज़रूरी है। वो शहर जहाँ सबसे ज़्यादा संक्रमण फैला और जहां की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से संक्रमण दर बहुत ज्यादा है, वो देखिए जनसंख्या कुल जो दिल्ली की है वो 2 करोड़ है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर बहुत ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज पाए जा रहे हैं। कुल मौत 19,663 हुई हैं और कुल केस 13,36,218 हैं। तो ये इतनी मौत हुई हैं दिल्ली में। तो दिल्ली के अलावा एक और जो 5 शहर देश के सबसे ज्यादा संक्रमित शहरों में से हैं और ये 10 मई 2021 तक का ही डेटा है, उसके बाद का डेटा नहीं है। मुंबई वो दूसरा शहर है जो सबसे ज़्यादा संक्रमित शहरों में से एक है। 2 करोड़ की जनसंख्या है, 13,855 लोगों की मौत हुई है और कुल केस 6,77,412 हैं। मुंबई के बाद एक और शहर जो संक्रमण की दर जहाँ बहुत ज़्यादा पाई गई, आइए वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमने 5 बड़े शहर देश के चुने हैं जहाँ पर संक्रमण तेज़ी से फैला है और वहाँ पर मौत का आंकड़ा तेज़ी से बढ़ता गया है। मुंबई के बाद पुणे एक शहर है, देखिए पुणे में 94 लाख की जनसंख्या है, 10,059 लोगों की मौत हुई है और कुल केस 9,30,809 है। पुणे के बाद अगले शहर की बात करेंगे और ये आंकड़ा मैं एक बार फिर आपको बता दूं, 10 मई 2021 तक का ही है, उसके बाद भी आगे का डेटा नहीं है इसमें। कुल मौत जो है, ये अगला शहर हमारे पास है बेंगलुरु। बेंगलुरु में अभी लॉकडाउन भी लगाया गया है क्योंकि इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, चेन को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। और ये अगला शहर है ठाणे, जनसंख्या 1.1 करोड़, 7,424 लोगों की मौत हुई है, कुल केस 5,38,963 हैं। ये वो 5 शहर देश के जो सबसे ज़्यादा संक्रमण जहाँ पर पाया गया है और तेज़ी से बढ़ रहा है कोरोना, ये चिंता का मुद्दा जरूर है। हमारे साथ अभी मेहमान बने हुए हैं डॉक्टर क्लेयर, हमने देखा किस तरह से 13 दिन में ही 2 लाख से 2.5 लाख पर पहुंच गए। तो जाहिर सी बात है, ये बार बार कहा जा रहा था कि अगर आप लॉकडाउन नहीं करेंगे, चेन को नहीं तोड़ेंगे, तो ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है इसको हम नहीं रोक पाएंगे। लॉकडाउन क्या अभी और बढ़ाया जाएगा? अभी जो स्थिति है उसमें क्या अभी लग रहा है कि लॉकडाउन क्या लंबा रह सकता है? बिल्कुल लंबा रह सकता है मेरे ख्याल में, तो 31 मार्च तक, तो मई तक तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब इन्फेक्टिविटी रेट 10% से कम हो जाएगी तब हम लॉकडाउन को रिलैक्स कर सकते हैं। 10% तक पहुंचना ज़रूरी है, अभी भी 20% है दिल्ली में, तो अभी तो लॉकडाउन डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा। और मेरा ख्याल में तो बाकी स्टेट्स में जिनमें केस बढ़ते हैं अभी से उनको लॉकडाउन लगा देना चाहिए, इसकी बजाय कि दिल्ली वाला हाल बहाना हो, ये बहुत ज़रूरी है। उनको टाइम भी मिल जाएगा ताकि फैसिलिटीज डेवलप करें। देखो जो हमारे हॉस्पिटलों की प्रॉब्लम है, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई है कि ICU बेड नहीं है, हालांकि टोटल बेड भी चाहिए हमें, पर टोटल बेड से भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा जरूरी कमी जो है ICU बेड की है। ICU बेड नहीं मिल रहे तो हमें ICU बेड और क्रिएट करने हैं, ये हमें दिल्ली से सब सीखना चाहिए। दो दो दिन, तीन तीन दिन, चार चार दिन पेशेंट वेट कर रहे हैं ICU जाने के लिए और इतना लेट हो जाते हैं कि बाय दी टाइम फिर वो बच नहीं पाते। अगर वो 70% ऑक्सीजन सेचुरेशन 3 दिन से चल रही है, वो कैसे बचेगा? तो ICU बेड में प्रायोरिटी देनी चाहिए हर जगह। जी हाँ, तो ICU बेड, डॉक्टर अंशुमन, क्या एक ये चिंता का वजह है कि हमारे पास ICU बेड्स कम है, क्या ट्रेन स्टाफ की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है और उससे हम कैसे निपटेंगे? जी सुबेरा, सबसे पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ AMU की, आपने जो चर्चा की, मैं भी AMU का प्रोडक्ट हूँ और संजोग बस जो भी वाइस चांसलर हमारे सीनियर सर्जन हैं, उनमें मैक्सिमम स्टाफ में कुछ ना कुछ लाइफ स्टाइल डिजीज थी। तो जो दर्शक सुन रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं, कैसा क्या हो रहा है, लाइफ स्टाइल डिजीज मतलब डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मोटापा को कंट्रोल करना बहुत बड़ा बचाव का एक माध्यम हो
होगा। अब जो मैं आ रहा हूँ आईसीयू बेड, जब भी बात होती है हॉस्पिटल बेड की तो अस्पताल का बेड कमरे के बिस्तर से बिल्कुल अलग होता है। इसका मतलब ये है कि अस्पताल का बेड जब भी हम बोलते हैं इसका मतलब है सारे संसाधन के साथ, ऑक्सीजन सप्लाई, मॉनिटर, दवाइयाँ, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, और वो भी रोटेशन में। एक डॉक्टर से आप 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे काम नहीं करा सकते, नर्सेस से नहीं करा सकते। तो मानव संसाधन एक बहुत बड़ा अस्पताल प्रबंधन का एक कड़ी आप कह सकते हैं, मानव संसाधन को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि उसी में से डॉक्टर फिर इन्फेक्ट भी होते हैं, संक्रमित होते हैं, नर्सें संक्रमित होती है, उनको आपको क्वारंटीन पे भेजना पड़ता है। ये सारा प्रबंधन और फोरसाइटनेस, दूरदर्शिता के साथ पहले से इंतजाम करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको, एक सवा साल हो गया अभी भी नीति निर्धारण में भारी कमी है जो मैनेजमेंट चाहिए। अब कोई ऐसी चीज नहीं रही है। चाइना ने एक पेपर बहुत अच्छा पब्लिश किया है, मिक्स्ड पॉलिसी थ्योरी, हाउ चाइना कंट्रोल कोविड 19 इन वुहान सिटी। वो पढ़ें और देखें कि मिक्स्ड पॉलिसी थ्योरी कितनी अच्छी चीज है। वो करना पड़ेगा। हमारे यहाँ कोई भी कुछ भी कर ले रहा है एडहॉकिज्म पे, कोई आईएएस ऑफिसर डीएम डिसीजन लेता है कि रेमडेसिविर किसको देना, ऑक्सीजन किसको देना, बेड किसको अलॉट करना है। डॉक्टर को डिसीजन लेने दो, ट्रायजिंग इसको कहते हैं, कि किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो इन समय मेडिकल एक्सपर्ट को आप आगे कीजिए, उनको डिसीजन लेने दीजिए और आईएएस ऑफिसर को एग्जीक्यूशन में लगाइए कि आप ये काम करके दीजिए, सुविधा मुहैया कराइए, ऑक्सीजन दवाइयों की सुविधा मुहैया कराइए, मेडिकल एक्सपर्ट को छोड़िए आगे। बिल्कुल डॉक्टर अंशुमन, जैसा कि आपने कहा, मैं भी एएमयू की प्रोडक्ट हूँ और एएमयू से मैंने पढ़ाई की है। जाहिर सी बात है बहुत चिंता का विषय है और हम लगातार अलीगढ़ के लोगों के संपर्क में हैं। वहाँ बहुत चिंता है लोगों के मन में, क्योंकि बहुत से लोग संक्रमित हैं, आम लोग भी बहुत संक्रमित हैं, टीचर्स और प्रोफेसर्स तो संक्रमित हैं ही। ये जो ख़ास तौर पर ऐसे हम कुछ कुछ शहरों को देख रहे हैं कि वहाँ ज़्यादा संक्रमण और तेज़ी से फैल रहा है और ज़्यादा मौतें हो रही हैं, इसकी क्या बड़ी वजह होती है, संक्षेप में अगर आप भी बता सकें, फिर मैं बाकी मेहमानों से भी इसके बारे में बात करूँगी। देखिए, इन स्टाफ में काफी मेरे जानने वाले थे, अफसोस बस मैंने भी कईयों को कन्विंस किया था कि आप वैक्सीन ले लें, खास करके मेडिकल कॉलेज वाले स्टाफ को तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी वैक्सीन ले लें, तो उनका जो भी कंसर्न था कि कोवैक्सीन का ट्रायल नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, एक तो ये समस्या थी। दूसरा, घनी आबादी, अलीगढ़ बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, अलीगढ़, मुरादाबाद, रायबरेली, बरेली, ये सारे जो उत्तर प्रदेश के शहर हैं बहुत पॉपुलेटेड हैं। तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा, लॉकडाउन हो लॉकडाउन ना हो, बेजरूरत आप मत दोधपुर या अमीन शाह ना घूमें, जरूरत नहीं है अभी, महीने भर शांति रख। लोग सोशलाइजिंग भी नहीं रोक रहे थे, वो भी लगातार चल रही थी। और एक वजह जो मुझे लगती है वो ये भी कि अलीगढ़ जैसी जगहें जो यूनिवर्सिटी है उसकी वजह से आपका एक्सपोजर टू द इंटरनेशनल वर्ल्ड भी बहुत रहता है, वहाँ बहुत लोग बाहर से आते रहते हैं, तो उस तरह के वेरिएंट्स का वहाँ आना और उनका फैलना भी शायद एक वजह हो सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।